समृद्ध गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल अबैकस समृद्ध। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कोडिंग में सीखने वाले हैं प्ले लैब में एक गेम बनाना। फ्रेंड्स, प्ले लैब में गेम बनाना काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी मुश्किल है। सो मैं आपके लिए एक सीक्रेट ट्रिक से, यानी मैंने एक सीक्रेट चीज से मैंने आपके लिए थोड़ी सी इजी करके प्ले लैब में गेम बनाया है और उसी से ही मैं आज आपको सिखाऊंगा। लेकिन उसी की ट्रिक क्या है वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला, क्योंकि दैट्स माय सीक्रेट। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सेव द प्रिंसेस गेम। यस फ्रेंड्स, सेव द प्रिंसेस गेम में हमें एक मास्क निंजा है, उस मास्क निंजा को एक प्रिंसेस को बचाना है और एक हेड ऑफ विलन है जो एक मॉन्स्टर है और उसके जो सोल्जर्स हैं वो है हमारे जॉम्बीज। सो हमें उनके एक्टर्स के नाम याद रखने, यानी एक्टर का नंबर, क्योंकि उसमें से 6 कैरेक्टर्स ही यूज़ कर सकते हैं। सो आपको ध्यान रखना कि कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3, कौन सा 4, ये आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमें बहुत सारे कोडिंग करना है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इसमें हम टाइपिंग करके नहीं, इसमें हम ब्लॉक्स ही लगाएंगे। और जिनके पास पीसी नहीं है या लैपटॉप है, वो फ़ोन में code.org ऐप डाउनलोड करके भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक लिंक में डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको, और उस लिंक को आपको क्लिक करेंगे सो आपका वो डेस्कटॉप खुल जाएगा, वो विंडो खुल जाएगी जिसमें हम अपना गेम बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये गेम बनाया है। सो आप ये देख सकते हैं जैसे कि हमें प्रिंसेस को बचाना है कुछ जॉम्बीज और मॉन्स्टर्स से। फ्रेंड्स, आपको ये code.org में नहीं जाना है। हाँ, मैंने code.org में बनाया, लेकिन ये सिंपली ट्रिक्स से किया है मैंने, जिससे कि आप सिंपली कर सकें, क्योंकि गेम लैब में ये गेम बनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है उसको खोल के ही आपको स्टार्ट करना है। इस पर आप थोड़ा ईजी वे से इस गेम को बना सकेंगे। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड लेना है। ओके फ्रेंड्स, बैकग्राउंड लेने के बाद आपको बैकग्राउंड चूज करना, जैसे ब्लैक सिटी, डेजर्ट, बो सॉकर, स्पेस, टेनिस, विंटर, नाइट, क्लाउडी, अंडर वाटर। सो हम एक केव का बैकग्राउंड लेते हैं, तो हम रन करके देखते हैं। तो ये ही है केव का बैकग्राउंड, तो हम कुछ और चूज करते हैं। नाइट का बैकग्राउंड ले लेते हैं हम। तो ये हमारा नाइट का बैकग्राउंड आ चुका है, तो हम इसकी स्क्रीन थोड़ी फुल कर लेते हैं, बड़ी कर लेते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे कैरेक्टर। सो फ्रेंड्स, इस कैरेक्टर में सबसे पहले आप जो सेट एक्टर देख रहे हैं, यहाँ आप टोटल 6 एक्टर्स लगा सकते हैं। 6 एक्टर्स लगाना, सो जिसमें कि हमारे हो जाएंगे 1 मास्क निंजा, यानी जो हीरो है, 2 है जिन्हें बचाना है यानी प्रिंसेस, 3 है मॉन्स्टर यानी विलेंस ऑफ किंग, द किंग ऑफ विलेंस मॉन्स्टर। देन नेक्स्ट बाकी के 3 उसके सैनिक और जॉम्बीज, उसके सोल्जर, 3 जॉम्बीज लगाएंगे। सो आपको सबसे पहले इनके एक्टर्स के नंबर याद रखना। सो सबसे पहले मॉन्स्टर लगा देते हैं। तो ये जो मॉन्स्टर है एक्टर 1 पे लगा देते हैं। तो ऐसे हमें सारे एक्टर्स लगा देना है। फ्रेंड्स, मैं आपको यही वेब पेज खोला, आपको code.org पे नहीं जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये पेज खोलने, क्योंकि अगर आपको प्ले लैब सीखना है तो आपको थोड़ा इजी वे से सीखना पड़ेगा, और ये इजी वे पे ही आपको यही से सीखने को मिलेगा। तो आपको जाना है, यहाँ जॉम्बी मुझे मिल चुका है। तो हमारे सोल्जर्स पहुंचे थे, तो हम उनके नंबर से जाते नहीं, और 2, 3 and 4 हमारे जॉम्बीज हो जाएंगे। देन 5th है प्रिंसेस। फ्रेंड्स, आप इसको कोई से भी तरीके से रख सकते हो, चाहे आपको मॉन्स्टर नहीं रखना, जॉम्बी रखना, सब कुछ भी रख सकते हो, आपको प्रिंसेस से रखना, आप कुछ भी रख सकते हो, आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। बस आपको ये याद रखना कि कौन सा एक्टर का कौन सा नंबर है। तो हमारा 5th प्रिंसेस हो चुका। तो 6 आप कोई सा भी हीरो ले सकते हो, जैसे कि आप ले सकते हो ड्रैगन, ले सकते हो एलियन, ले सकते हो
यूनिकॉर्न ले सकते हो, नाइट ले सकते हो और कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मुझे निंजा काफी पसंद है, सो मैं एक मास निंजा ले लेता हूँ। तो अभी हम देखते हैं एक बार रैंक करके, तो कुछ ऐसा है, लेकिन मैं जब एरो पे क्लिक कर रहा हूँ तो हिल नहीं रहा है, तो इसे हिलाने के लिए आपको वेल अप एरो को 4 टाइम्स से नीचे लगाना है। थोड़ा नीचे कर देते हैं, देन आपको यहाँ अप डाउन लेफ्ट एंड राइट और सबसे लास्ट वाला अप रहने देते हैं। देन नेक्स्ट है, नीचे जाना है आपको, मूव एक्टर 1 एंड अप यहाँ लगा देते हैं। आपको ये हर में लगाना है, हर एक पे लगा देते हैं हम इसे। डन, देन आपको यहाँ आपको जो हमारा इवेंट्स है उसकी तरफ से लगाना है, यानी डाउन का डाउन, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट एंड आपका जो है वो आप ही रहने देते हैं। सो हमारा जो मास्क निंजा को हिलाना, सो उसका एक्टर का नंबर आप देख लीजिए 6 है, तो 6 को हमें यहाँ लगाना है, मूव एक्टर 6 6 6 एंड 6। हम रन करके देखते हैं, हमारा एक्टर ढूंढ रहा है लेकिन ये किसी को मार नहीं पा रहे, वैनिश नहीं हो रहे हैं, उसके लिए हमें एक कोड यूज करना पड़ेगा। सबको नीचे जाना है और आपको ज़ॉम्बीज को हिलाना है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा यहाँ रख देते हैं। देन रिपीट फॉरएवर, देन रिपीट फॉरएवर में आपको नीचे जाना है, मूव एक्टर आप। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सारे ब्लॉक्स लगा दिया ताकि ये रैंडम रैंडम अपनी जगह घूम सके, जैसे कि मूव एक्टर 2, सो मैं जो 2 3 4 ज़ॉम्बीज थे, तो मैं ज़ॉम्बीज के रहने जो 2 3 एंड 4 रैंडम और रैंडम, फ्रेंड रैंडम से कि इन्हें कितने कहाँ पे घूमना है, अप डाउन लेफ्ट राइट, सो मैंने रैंडम लगा दिए कि ये कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। पिक्सल्स फ्रेंड्स, पिक्सल्स यानी कितने पिक्सल्स, कितने स्टेप चलने हैं, तो उसको भी मैंने रैंडम करके देख सकते हैं, वे कहीं पे भी घूम रहे हैं, जहाँ पे भी ये चाहे ये वही कहीं पे भी घूम रहे हैं, ये रैंडम ब्लॉक्स का है। देन नेक्स्ट, देन हमें चाहिए एक इवेंट का ब्लॉक, वेन एक्टर टचेस, तो ऐसे हमें काफी एक्टर चाहिए। हम इसे 5 ले लेते हैं, हमने 5 ले लिया, तो वो एक्टर 6 होगा पहला, तो और वो टच करेगा एक्टर 2 3 एंड 4 और यहाँ पे भी हमें 6 लगा देना, लेकिन इन 4 में लगा रहा है। देन वैनिश एक्ट आपको सबसे नीचे मिल जाएगा, और जिनको जिनको टच कराने जिनको मारेगा सो एक्ट वैनिश हो जाएंगे, जैसे यहाँ 2 है तो मैं 2 लगा देते हैं, ऐसे ही हमें करना है। देन 3 कर देते हैं, 4 देन 12 एक्टर 6 टचेस, तो हमारा जो मॉन्स्टर था एक्टर 1 उसको हम एक्टर 1 लग देते हैं यहाँ पर, तो एक्टर 1 वैनिश हो जाएगा, उससे मैं भी हटा दी कि इसको बाद में यूज करके, और हम
देंगे प्ले साउंड, हम फिर एक साउंड लगाएंगे और स्कोर पॉइंट कर देंगे। सबसे पहले मैं साउंड लगा देते हैं, थोड़ा रख देते हैं, थोड़ा फ्रेंड्स गैप कर देते हैं ताकि कोड को लगाने की जगह हो जाए। रैंडम की जगह हमें वेट पॉइंट करना है। जब व्हेन एक्टर 6 टचेस एक्टर 1, इस वाले में आपको विन पॉइंट 2 करना है, ये वाला साउंड करना है। देन शो टाइटल स्क्रीन, टाइटल होगा हमारा गेम ओवर। और जो हमारा टेक्स्ट होगा वो है विक्ट्री। फिर अब देखते हैं, देन स्पीड, तो हम रिपीट फॉरएवर में ही लाए थे, उनमें से नीचे ले आते हैं, हम सबको ऊपर कर दें क्योंकि रिपीट फॉरएवर काफी बड़ा होगा क्योंकि इसमें हमारा ज्यादा तो काम आएगा, हम इसे ऊपर कर देते हैं, रिपीट फॉरएवर ब्लॉक में नीचे लगा देते हैं। देन आपको नीचे जाना है और फ्रेंड्स आपको यहाँ एक और लगाना है स्कोर पॉइंट, आपको स्कोर पॉइंट भी लगाना है। आपको सबसे ऊपर यहाँ लगाना जहाँ वेनरन है, सेट एक्टर यहाँ पर, फ्रेंड्स इसका कोड भी थोड़ा बड़ा होने वाला है, सो मैं इसे रैंडम कहीं भी लगा सकते हैं, आपको जहां जगह दिखे आप वहां लगा दीजिए। सेट एक्टर, तो हमारी जो प्रिंसेस है उसका नंबर 5 है, सो सेट एक्टर 5 इनटू बॉटम लेफ्ट, हम इसे ऐसा करते हैं बॉटम राइट में ले आते हैं, बॉटम राइट ये रहा। Then speed, तो यहाँ रिपीट फॉरएवर पे जाते हैं, इस वाले ब्लॉक पे जो हमने ये रैंडम पिक्सल्स का ब्लॉक लगाया, यहाँ आप देख सकते हैं सेट एक्टर, तो हमें यहाँ 4 स्पीड्स के ब्लॉक लगाने हैं। देन हमारे जो जॉम्बीज के नंबर्स आप देख सकते हैं, लेकिन आपको इन्हें याद रखना है, 2, 3 एंड 4, और हमारा मास निंजा का नंबर है 6। जॉम्बीज के आपको वेरी फास्ट स्पीड में रखना है, और इस रेड एक्टर की फास्ट नेक्स्ट जो है हमारा, हमें प्रिंसेस को अगर जॉम्बी मारने के, तो हमारे डिफीट पॉइंट है, तो हमें वो लगाना है, सो उसके लिए आपको थोड़ा यहाँ लगा देते हैं अभी के लिए, और यहाँ हमें वेन एक्टर 1 टचेस एक्टर 2 के ब्लॉक लगाने हैं, और जॉम्बीज है हमारे 4, 4 जॉम्बीज है, तो हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। बराबर अच्छे से लिखे, तो आपको आप एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं क्योंकि फिर हमें ऊपर आने ना पड़े इसलिए,
4 जॉम्बीज एंड 5 प्रिंसेस, तो आपको टोटल 4 लगाना है। तो 3, 4, 2, 3, 4 और कुछ हटा देते हैं। वन एक्टर, तो यहाँ हमारा एक्टर फाइव, तो वैनिश एक्टर, तो व्हेन एक्टर टू टचेस एक्टर फाइव, सो वैनिश एक्टर में आपको लगाना है एक्टर फाइव, क्योंकि एक्टर फाइव स्पेंसर्स यानी ज़ॉम्बी उन्हें मार देंगे, तो यहाँ एक्टर फाइव लगा देते हैं। थोड़ा नीचे कर देते हैं क्योंकि अब हमें इसमें लगाना है टाइटल स्क्रीन, शो टाइटल स्क्रीन के यहाँ पे हर एक में लगाना है फ्रेंड्स। अगर आपको ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, टाइटल होगा गेम ओवर डिफीट, और आपको ये सब में लिखना है। अब जैसे ही वो प्रिंसेस को अगर टच करेंगे तो रखा जाएगा, तो हम इसको थोड़ा और कर देते हैं, हम इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। ऐसा करते हैं हम इसे रख देते हैं बॉटम सेंटर में, हम इसे सेंटर में रख देते हैं, मिडल सेंटर। जैसे कि आपने देखा कि हाँ जॉम्बीज ने प्रिंसेस को टच किया, नहीं उसे मार से लिखा आ गया गेम ओवर डिफीट। देन प्ले साउंड, हमें यहाँ लगाना है साउंड, प्ले साउंड कर देते हैं। रैंडम आपको कोई सा भी लॉस पॉइंट या लॉस पॉइंट टू अच्छा लगे तो समझ सकते हैं आपको लॉस पॉइंट टू है और लॉस पॉइंट, वैसे लॉस पॉइंट टू भी कर देते हैं। लॉस पॉइंट टू हो चुका है, देखो तो इसमें थोड़ा चांसेस नहीं, सो एक्टर्स की भी स्पीड वेरी फास्ट कर देते हैं। मेरे पास मूवी वजह से जल्दी खत्म हो चुके हैं सारे में जॉम्बीज, तो फ्रेंड्स हम एक चीज और लगा सकते हैं लाइक इसको डिफिन में जैसे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर शो टाइटल से लगाते हैं स्टार्ट का, ये लगा देते हैं इसको यहाँ पर। नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, और देन हमारा टाइटल, देन हमारा जो गेम का टाइटल होगा
प्रिंसेस अच्छा लगेगा, तो मैंने देते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको गेम का और कोई अच्छा नाम है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सेव द प्रिंसेस, देन यहाँ लिख देते हैं क्लिक टू स्टार्ट। उसके बाद हमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, क्लिक टू स्टार्ट गेम। और हियर भी लिख देते हैं क्लिक हियर, देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका कोई सा भी ब्लॉग्स रह गया सब वीडियो को पॉज करके सारे ब्लॉग्स देख लीजिए। और फ्रेंड्स अगर कभी भी आप कोई भी खेल ऐप में ऐसा ही गेम बनाए तो आपको उसके लिए आपको जो एक्टर्स के नंबर याद रखने पड़ेंगे, जिसकी फर्स्ट मॉन्स्टर, टू सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जॉम्बीज, फिफ्थ प्रिंसेस एंड सिक्स मास्क निंजा। एंड आपको फिनिश पे क्लिक करना, अभी बस ऐसे वॉइस आएगी। सबसे पहले आपको लिंक पे क्लिक करना है और कंट्रोल प्लस सी दबा के, आप कंट्रोल प्लस सी दबा के इस लिंक को खोलते हैं। हमारा गेम जो हमने वो बनाया, तो ये गेम पूरी तरह से रेडी है। अब आप इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ सेट कर सकते हैं इस गेम को। क्लिक करेंगे तो हम एक चीज और कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट होने से पहले गेम स्टार्ट हुआ तो हमारी स्पीड के साथ जितनी भी हो गई तो फ्रेंड्स कैसे जरूर बताना। वीडियो पर लाइक जरूर, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस दी बेल आइकन फॉर मोर अबैकस एंड कोडिंग वीडियोस। और फ्रेंड्स साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। सबसे तो वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये गेम कैसा लगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।